मिस्टर फैजू, हमें रोहित सर ने बताया कि आप जो हैं बिल्कुल सरप्राइज हैं, क्योंकि आप जिस तरह से, आपको लोग जानते हैं, आपके इतने फैलोअर्स हैं, लेकिन आप जो स्टंट कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल है, ऐसा रोहित सर ने बताया कि सच्ची रियली बात। सरप्राइज्ड। हाँ, तो क्या बात है रियली, यार। तो कहाँ से ये लेकर आते हैं? एंड आई एम श्योर योर फैंस विल बी सो हैप्पी टू हियर दैट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये कहा है। अभी ये देखना है मुझे, और मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे, हम सन एंड सन्स में थे, नोविटेल के बाजू में। तो वो टाइम पे जब मेरे इंटरव्यूज हो रहे थे, वो टाइम पे बहुत सारे सवाल ऐसे थे कि मतलब आप क्या कर पाओगे, आपसे हो पाएगा क्या, आपको लगता है आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे अपना, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारा सवाल था। मगर वो सारी चीज़ों को मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया था वो टाइम पे, तो मुझे ऐसा डर था मेरे दिल में कि मतलब मैं उस वक्त क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। मगर मैंने यही बोला था कि होप फॉर द बेस्ट, मैं अपना पूरा 100% दूंगा, जितना हो सके उतना जी जान लगा दूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी थोड़ी बहुत फॉलोइंग है 27 मिलियन इंस्टाग्राम पे। तो जो उनकी एक एक्सपेक्टेशन बनी होती है, वो एक्सपेक्टेशन को मैं कम नहीं होना देना चाहता था। प्लस मेरी माँ का भी प्यार था, मेरी मम्मी जो चीज़ें हैं ना, वो इधर आके मेरा माहौल और गर्म कर दिए, और ये जाना इंशाल्लाह।